स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तियानमेन स्क्वायर का है। चाइना का तियानमेन स्क्वायर बहुत फेमस रहा है। इसी तियानमेन स्क्वायर में इस बार चाइना अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, लेकिन चाइना के शी जिनपिंग ने अपने भाषण में रूस के प्रति जो बात कही है उससे रूस अंदर तक हिल गया है। जानेंगे आखिरकार इन्होंने क्या कह दिया है। जिसका डर था वही चीज अब रूस के साथ हो रही है और रूस के लिए अब बड़ी मुसीबत है। रूस सिर्फ अब भारत के ऊपर ही यकीन कर सकता है। दुनिया हैरान है कि चाइना ने इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दिया है। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं डोभाल की और फ्रेंच राष्ट्रपति की, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये चीज और ये मीटिंग भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप देखना इस वक्त जो होगा इसका असर भारत की कई पीढ़ियां देखेंगी और वैसा ही होने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह है तियानमेन स्क्वायर, ये चाइना का वो जगह है जो क्रांति के इतिहास को रखता है और यहाँ पर एक बड़ी पुरानी क्रांति है। हालांकि चाइना उस क्रांति के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से सजावट की गई है और इस सजावट को कहा जा रहा है अच्छे खासे खर्चे के बाद किया गया। खुद जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने शेयर भी किया इनकी तस्वीरों को। पर इस समारोह के दौरान शी जिनपिंग ने कुछ ऐसी बात कह दी जो रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। आपको याद होगा जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था रूस यूक्रेन का, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना के ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। चाइना विंटर ओलंपिक का आयोजन कर रहा था और वहां पर चाइना और रूस ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी और कहा था कि हमारे बीच में नो लिमिट दोस्ती होगी, यानी कि हम एक दूसरे से लिमिट से बाहर जाकर काम करेंगे, लिमिट से बाहर जाकर मदद करेंगे। अब वो समय था जब दुनिया हिली हुई थी कि आखिरकार ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पर अभी का समय है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र है रूस का आर्कटिक क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां रूस बार बार भारत को बुलाता था लेकिन कभी भी चाइना की एंट्री नहीं कराना चाहता था। क्यों? क्योंकि रूस और चाइना का भी एक बहुत पुराना इतिहास है और कभी ये बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं एक दूसरे के। आर्कटिक क्षेत्र में खजाना है और रूस नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र में चाइना आए, लेकिन अभी क्या ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें चाइना पहली बार रूस के आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचा और दोनों ने मिलकर यहाँ पेट्रोलिंग की है। हालांकि ये माना जा रहा है कि रूस एक बड़ी मजबूरी में कर रहा है। ये ऐसी मजबूरी है कि ये चाह रहा है चाइना का साथ इसके साथ बना रहे, लेकिन क्या वेस्टर्न दुनिया ऐसा चाह रही है? रॉयटर्स की खबर देखिए, नाटो के चीफ ने क्या बोला। नाटो के चीफ ने बोला, देखो चाइना, तुम रूस को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तुमको भुगतना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिको की खबर देखिए, अमेरिका ने कहा चाइना को, तुम बहुत अच्छी मदद दे रहे हो रूस के वॉर मशीन को, जिसकी वजह से उसका युद्ध ज्यादा दिनों तक चल रहा है, याद रखना इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो वहीं अब जो है असल चीज निकल कर आ रही है सामने, जो सच है वो सच अब पुतिन के सामने निकल कर आना शुरू हो गया है। फॉर्चून की खबर देख सकते हैं, रूस को अब सच्चाई का सामना हो रहा है इकोनॉमिक लाइफलाइन जो चाइना की है उसको लेकर। चाइना के ऊपर अब अमेरिका का दबाव बन रहा है और चाइना अब चाह रहा है हर हाल में उसकी इकोनॉमी को बचाया जाए। वो जानता है अगर इकोनॉमी ठीक नहीं रही तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। चाइना अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अब रूस के साथ भी एक बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन ये गेम कुछ ऐसा गेम है जो तुरंत नहीं बल्कि लंबे समय में असर दिखाएगा। और इसकी एक झलक देखने को मिली 75वें फाउंडिंग डे के ऊपर, जब शी जिनपिंग ने अपना भाषण दिया। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें शी जिनपिंग ने ये कहा कि देखिए, हम रूस के साथ अपने दोस्ती को
प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ाएंगे। शब्द आपको बदले हुए नजर आए, शब्द यहाँ पर यही है कि वैसे सहयोग जो प्रैक्टिकली संभव है, जो संभव नहीं है वो सहयोग हम नहीं करेंगे। अब ये ओपनली बोलने लगे, कम से कम शांत रहते, नहीं बोलते तो वो पुरानी वाली बात ही रहती, चाइना और रूस के बीच में नो लिमिट दोस्ती है। लेकिन इन्होंने ओपनली बोला और दुनिया की बहुत सारी मीडिया ने इस चीज को कवर किया कि अब ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करेंगे, नो लिमिट वाला चला गया सीन। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना यूएस को दिखाना चाह रहा है कि हम रूस की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तुम हमारे साथ जो इकोनॉमी वाले प्रतिबंध खेल रहे हो ये खेलना बंद कर दो, हम सब साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर चलें और हम आगे बढ़ें। मतलब अगर जरूरी हुआ तो चाइना रूस की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगा। खैर, ये तो होना ही था और ये बात काफी पहले से भी कही जाती थी, अगर ये युद्ध बहुत लंबा खींचता है तो रूस कहीं चाइना का जूनियर पार्टनर न बन जाए। और ये देखने को मिल रहा है कि रूस इस वक्त मजबूर हो रहा है, जिसकी वजह से आर्कटिक क्षेत्र में भी चाइना को अब एक्सेस मिलने लगा है। भारत को सचेत रहना होगा, क्योंकि जब इस तरीके के कंडीशन होंगे तो फिर भारत के सामने भी कई तरह के चैलेंजेस आएंगे। खैर, भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है और मैंने अजीत डोभाल की इस तस्वीर को दिखलाकर कहा था कि आप देखना, इतिहास बदलने वाली ये तस्वीर है और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रहा है, भारत बहुत अच्छे से समझ रहा है कि भारत को अब चाहे मजबूरियों में रूस से मदद नहीं मिलेगी और दूसरी बात चालाकियों में अमेरिका से मदद नहीं मिलेगी। मतलब चाहे कारण चालाकी बने चाहे मजबूरी बने, भारत के सामने समस्या आएगी और इस समस्या का काट भारत ने ढूंढना शुरू कर दिया है और अजीत डोभाल इस खास मिशन पर पहुंचे और उसका असर दिखने लगा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी सैफरन अब भारत में ही अपना इलेक्ट्रॉनिक यूनिट खोलने वाली है। अब इससे क्या होगा भारत को फायदा? तो भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये चीजें अब भारत में ही बनेगी। सैफरन इंजन बनाती है और इंजन का काम यहाँ पर होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। पर ये सब कुछ फ्रांस क्यों कर रहा है? कहा जा रहा है $17 बिलियन का झटका एक बार फिर से अमेरिका की वजह से लगा है फ्रांस को। और ये कैसे? यूएई ने 80 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, बीच में कुछ ऐसी चीजें हो गई, टेलीग्राम के सीईओ को पकड़ लिया गया फ्रांस में, जिसके बाद यूएई ने इस डील को कैंसिल कर दिया। माना जा रहा है कि ये एक बहाना है, दरअसल एक बार फिर से 80 फाइटर जेट राफेल के न लेकर शायद यूएई F-35 की तरफ जाए। तो फ्रांस भारत जैसे बड़े बाजार की तरफ जाना चाहता है और ऐसे में अजीत डोभाल बिल्कुल सही समय पर सही जगह पहुंचे हैं। ये भारत के छात्रों को भी अपने यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, 30,000 छात्रों को। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस में जिस चीज की कमी है भारत को, वो सारी चीजें अब फ्रांस से मिलने की तैयारी हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।